अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल कश्मीरी दम आलू। बहुत सिंपल तरीके से बनता है और ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। आइए देखते हैं ये किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, दो बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। 2 मिनट के लिए हम प्याज को भून लेंगे। दो मिनट प्याज भूनने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे 3 बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर के साथ में हम डालेंगे 6 काजू और इसे जब तक के हमें पकाना है, टमाटर और प्याज हमारे अच्छे से नरम नहीं हो जाते। देखिए प्याज और टमाटर अच्छे से नरम हो चुके हैं। अभी हम गैस को बंद करके इसे ठंडा कर पीस लेंगे। अभी हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। ये मैंने छोटे छोटे 6 आलू ली हूँ और उसको छिलकर 2 टुकड़े में काट दी हूँ। ये हम तेल में डाल देंगे। आलू को हमें धीमी आंच पे फ्राई करना है ताकि हमारे आलू जो है अच्छे कलर में भी आ जाए और आधे से ज़्यादा ये गल भी जाए। आलू देखिए सब तरफ से लाल हो चुके हैं और ये आधे पक भी चुके हैं। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी तेल में अभी हम डालेंगे 2 छोटी इलायची, 3 लौंग, 1 चम्मच शाही जीरा और 1 चम्मच काली मिर्च। 1 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। दो तीन मिनट भूनने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला, जो हमने टमाटर प्याज और काजू को पीसे थे वो डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अब इन सारी चीज़ को हम 5-6 मिनट के लिए भून लेंगे। पाँच छः मिनट मसाला भूनने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें फ्राई किए हुए आलू को डाल देंगे। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसके ऊपर हम ढक्कन ढककर इसको धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5-6 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसे चेक करते हैं। देखिए आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं दम में रखकर। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही और डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और इन सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। माशाल्लाह देखिए कश्मीरी दम आलू बनकर तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कश्मीरी दम आलू कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।